फिरोजाबाद की श्रीमती रंजना सिंह नवनिर्वाचित चेयरमैन सिरसागंज को एसडीएम सिरसागंज विवेक राजपूत ने शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले गायत्री महामंत्र का उच्चारण किया। नवनिर्वाचित चेयरमैन रंजना सिंह ने जनता को धन्यवाद दिया और ऐसा ही प्यार अगले 5 वर्षों तक बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से ये भी वादा किया कि मैं आने वाले समय में नगर का विकास करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह सिरसागंज की जनता ने मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनाया है, यहाँ की जनता ने 71% भारतीय जनता पार्टी की झोली में वोट डाले हैं। मैं भी उसी प्रकार जनता के हर सुख दुख में साथ देकर नगर का चौमुखी विकास कराऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मंत्री जी ने हमारी उंगली थामी है, उनके सानिध्य में जितना भी विकास कार्य होगा उसे मैं पूर्ण रूप से करती रहूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में आए अतिथियों के नाम मुख्य अतिथि माननीय जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि माननीय हरिओम यादव, पूर्व विधायक सिरसागंज विजय प्रताप यादव छोटू जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद, उप जिलाधिकारी विवेक राजपूत भाजपा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा विक्रम सिंह जी, पूर्व प्रधान किठौत श्रीमती पुष्पा देवी, पूर्व प्रधान किठौत श्री सुमंत गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष नगरपालिका राकेश राजपूत, इंस्पेक्टर साहब अली, पालिका सदस्य एवं नगर की जनता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रही। अपने आप के जनों के बीच प्रसन्न चित्त मुद्रा में मातृशक्ति के बीच अपने सबके दिलों में हलचल, एक माला पहनाने की ललक। सगंज की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। दूसरे चरण में जय श्री राम। बाकी देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।